जानती हैं कि आज जो श्याम सुंदर हैं वो हमारे बालक रूप में आए हैं, हमारे बछड़े बनकर के बछड़े के रूप में श्याम पर्वत पर गदाचार्यं बस्यानां स रामो मनवाविशत् पञ्चासुरं त्रियामासो आयिनां भूरणेजः। एक वर्ष पूरा होने में 5-7 दिन शेष रह गए, तब एक दिन भगवान बलभद्र भैया के संग लेकर वन में बछड़े चराने को गए। वहां बलदेव जी को जैसा कुछ देखने में आया, बहुत दूर जो गायें गोवर्धन पर्वत के ऊपर चर रही थी, उन्होंने ब्रज के निकट अपने बछड़ों को चरता देखा। बछड़े को देखते ही प्रेम के बस सब अपने अपने गायों के थनों में दूध उमड़ने लगा, सब बड़े बड़े से प्रेम करने लगी। बलराम जी ने देखा, यावंत गोकुले वाला बसा साम सर्वे मया सहे सयानम मीनाद्यपम पुनर्तता। श्याम सुंदर ने इतने रूप बनाए, बलदेव ने देखा ये बछड़ो ये ग्वाल बाल ये बिल्कुल सबसे हट करके न्यारे लग रहे हैं, गायें बड़े बछड़ों से प्रेम कर रही हैं, गोपियां बड़े बालकों से प्रेम कर रही हैं। बलदेव जी ने देखा सही से चतुर्भुजा शंख चक्रम गदा राजीव बाणयम् कीर्तिनम् कुंडलनो हारिणो वनमालिनः। बलदेव ने देखा तो सब चतुर्भुज रूप में गदा शंख चक्र पदम हाथ में लिए। बलदेव ने कहा, कन्हैया ये क्या बात है? कन्हैया ने कहा, भैया अपने सही बछड़े ग्वाल वाले तो ब्रह्मा जी चुरा के ले गया, ये तो सब मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्मा जी को एक बरस पूरा होने में आया, ब्रह्मा जी ने देखा कि चल करके देखूं तो सही कि ब्रज में क्या हो रहा है, सब बछड़ों के बिना ग्वाल बालों के बिना क्या हो रहा होगा। ब्रज में आए देखा तो ग्वाल बाल बछड़े ब्रज में देखा, और अपने लोक में गए वहां ग्वाल बाल बछड़ों को देखा। तब ब्रह्मा जी की समझ में आया कि हे भगवान मुझसे ये गलती हो गई, मैंने आपकी परीक्षा ली। दृष्ट्वा त्वरेणं निजधोन तोवतीर्तयं प्रत्यव्याम्बको कनकदण्डमिवाभिपात्यः। ब्रह्मा जी आए श्याम सुंदर से प्रार्थना करी, प्रभु मुझसे गलती हो गई। भगवान ने कहा, ब्रह्मदेव तुम्हारी दृष्टि में ये भेदभाव आया कैसे, जब तुमने ही पूरी सृष्टि को रचा है, तुम्हारी संतान है, फिर तुमने ही ऊंच नीच का भेदभाव कैसे कर दिया। एक पिता के ही संसार है और एक पिता की संतान में आपने ऊंच और नीच का भेदभाव किया। ब्रह्मा जी ने कहा, ये मुझसे भूल हो गई, गलती माफ करो। ब्रह्मा जी से भगवान नाराज होते हैं और कहा, तुमने मेरे बाल गोपाल सखाओं को मुझसे दूर रखा है, कुछ नहीं बोलते हैं। ब्रह्मा जी जाते हैं, श्याम सुंदर ने ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बन करके और कहा, सुनो अब संसार में पहरेदारों से कहा, संसार में नकली बहुत घूम रहे हैं, कोई आए ब्रह्मा तो उसे आने मत देना, भगा देना। जब जैसे ही ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गए, पहरेदारों ने अंदर नहीं जाने दिया,
कहा हमारे स्वामी सही कहते हैं कि नकली ब्रह्मा बनकर के संसार में बहुत घूम रहे हैं, अब तो भगवान भी नकली या दुनिया में बनकर के बहुत घूम रहे हैं, अब तो या दुनिया में भगवान की कमी ना, सब अपने आप को कहते हैं हम भगवान है हम भगवान है, गले भगवान तो जिलने में लगे हैं कछु बारे पर रहे हैं, जब भगवान ही गले ने हैं कछु जिलने में लगे कछु बारे पर रहे हैं तो बस ब्राह्मण की कमी कहां है सकते है? ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे ब्रह्मा अंदर है हा? चलो भागो यहां से। ब्रह्मा जी समझ जाते हैं, कहा प्रभु मुझसे भूल हुई और उसका इतना दंड मत दो। पहरेदारों से कहा आप अपने ब्रह्मा जी के दर्शन तो करा दो, अंदर ले गए तो वहां से हम सुंदर नहीं थे। उन्होंने ऐसा उनका ऐसा करना था, ब्रह्मा जी की समझ में आया मुझसे गलती हो गई, उन्होंने तीन परिक्रमा करके वहां से चले गए। परीक्षित महाराज कहने लगे प्रभु ऐसा क्यों किया? सुखदेव जी महाराज कहने लगे अगर कोई गुस्सा हो नाराज हो तो वहां से जल्दी चले जाना चाहिए, ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी ने भेजा, सब आए और ब्रह्मा जी ने सबकी सराहना करी कि धन्य है ये ब्रजवासी गोपी ग्वाल, भगवान से बहुत प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें भी अपनी लीला में शामिल कर लेते थे, भगवान ने मना कर दिया। भगवान से गले कहा हमें ग्वाल बना लो, बछड़े बना लो, लता पता बना लो, रज बना लो, कण बना लो, परंतु भगवान चुपचाप रहे, ब्रह्मा जी चले गए। जब ग्वाल बाल घर जाते हैं एक वर्ष के बाद में जाते हैं तब घर जाकर के कहते हैं मैया आज एक बहुत बड़ो अजगर कन्हैया ने मारो। एक वर्ष के बाद क्योंकि ब्रह्मा जी ने बछड़ों को ले गए तब एक वर्ष पूरा हो गया। एक वर्ष के बाद में वो घर जा रहे हैं तो वो तो ये सोच रहे हैं कि हम सवेरे आए थे अब संध्या को घर आए हैं, उन्हें क्या पता कि एक वर्ष हो गया। ब्रह्मलोक में क्षण मात्र में एक वर्ष बीत जाता है। श्री सुखदेव जी बोल महाराज कहने लगे राजन एक दिन भगवान श्याम सुंदर गाय चराने के लिए तालवन में जाते हैं और वहां ध्यानकासुर नाम के राक्षस रहते हैं। उन्होंने विचार किया कि इस ध्यानकासुर से इस तालवन को मुक्त करना है। तालवन में जाकर के श्री दामा नाम गोपाल राम केशव यो सका सुवलस्तो कृष्णा ध्या गोपा प्रेमरे दंबरुन। श्री दामा गोपाल सभी बाल गोपाल सखा कहने लगे बलराम कन्हैया का तो हमने बहुत सब कुछ देखा है परंतु अभी तक आपने कुछ नहीं करके बताया। बलदेव कहने लगे मैं क्या करूं बोल। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवारहर इतहो अभिदूरे सुमहाद्रम वनम तालात संकुलमह। कहने लगे हमने कृष्ण के तो बहुत काम देखे हैं अचरज देखे हैं परंतु आप भी तो अपनी भुजाओं का बल दिखाओ। तब कहा क्या दिखाऊं फलाने तत्र भूरिणम पतितानि पतन्ति च संत के तवरद्वाने धैनुकेन दुरात्मनः। इसमें अच्छे अच्छे ताल के फल लगे ना खिला दो। ग्वाल वाले कहने लगे जावे ध्यानकासुर रहते हैं
पता लग जाओ तो ऐसे फल खवाएगो। बलदाव ने कहा चिंता मत करो, चलो अंदर ले गए सभी वृक्षों को हिला दिया, सब टपा टप पेड़ फल गिरने लगे। धेनकासुर ने सोचा कि ये कौन आ गया। धेनकासुर दौड़ करके आए और श्याम सुंदर को बलदेव को दोनों को लातों से मारने लगे। श्याम सुंदर ने बलदेव ने और गधे के रूप में धेनकासुर के दोनों पैर पकड़ करके और वृक्षों से दे मारा और फल झड़ाए और उन दोनों को मार दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धेनकासुर से ताल वन को मुक्त करते हैं। घर जाकर के कन्हैया कहने लगे, मैया आज दाऊ ने बड़ो बहुत बड़ो भयंकर गधा मार दिया। दाऊ कहने लगे, मैया देख ये मेरी हंसी कर रहा है, मैंने राक्षसों को मारो, राक्षसों को बहुत बड़ो राक्षस मारो मैंने, ये मेरी हंसी करते है। मैया कहने लगी, क्यों करूंगा, तू बड़े भाई की मजाक उड़ावे। नहीं मैया, श्री दामा से पूछ ले, अन्य गोपालों से पूछ ले। श्री दामा को बुलाया, मधु दामा को बुलाया, कहा क्यों रे ये कन्हैया क्या करो। हाँ मैया सही कह रहे हो, आज दाऊ ने बहुत बड़ो गधा मारो। दाऊ कहने लगे, मैया आज से मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। मैया कहने लगी, लाला तू आज मत जाए, आज तेरो वैसे जन्मदिन है ना कि तू मत जाए, आज जिन्हें जाने दे गई चरावे के कारण। कन्हैया विचार करने लगे कि जी तो मैं चाहता हूँ कि बलदाऊ मेरे साथ नहीं जाए, क्योंकि आज मुझे जमुना जी का जल शुद्ध करना है। जमुना जी में काली देह में काली नाग रहता है, मैं आज उसको यहाँ से भगाऊंगा। दाऊ भैया शेष अवतार हैं, अगर मैं कालिया नागों को दंड दूंगा तो कहूं ऐसा नहीं है कि बिरादरी की चेक आ जाए। हा? नाग को नाग की आ जाती है, बिरादरी की तो सबको चेक आ जाती है। ये काम तो सब ही जगह महाराज, समाज को तो बहुत अंतर पड़ जाते हैं, पर कछु कछु में पत्तो कौए ना पत्तो। कछु तो समाज की चेक आते हैं, कछु तो समाज की गिराईवे को ही तैयार रहते हैं, खेचवे को तैयार रहते हैं पीछे। श्याम सुंदर गैया को फिर बड़े हो जाते हैं तब गैया चरावे को जाते हैं। गैया ने जमुना जी के किनारे ले जाते हैं। श्री सुकोवाचयं विलोक्य दूषितां कृष्णा 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 हिना विभु तस्यां विशोदमं च वचनं सर्प समुद्वासत। श्याम सुंदर ने कहा कि मैं कृष्ण, यमुना कृष्ण और हम दोनों के बीच में काले तू क्या करता है, तुझे तो निकलना पड़ेगा यहां से। और वहां जाकर के श्याम सुंदर यमुना मैया के किनारे पे जाकर के ग्वाल वालों को साथ लेकर के और अपना एक खेल रचाते हैं गेंद का। ओ काली देह पे खेलने आयोरी मेरो कारो सो कह नहिया। Oh,
श्याम सुंदर खेल रचाया और गेंद में टोला दिया, काली देव में जाकर के गिरी। शरीदावा मधुदावा कहने लगा, ये मेरी गेंद, मैं तुझे उसी गेंद को ले लूंगा। तब कन्हैया ने कहा, तो ठीक है, मैं तेरी गेंद को ला करके देता हूं। अन्य वालों ने कहा, अरे कन्हैया उसमें मत जा, उसमें काली नाग रहता है। वो कहने लगा, मधु मंगल मुझे तो वही गेंद चाहिए। श्याम सुंदर जाकर के दौड़ करके और यमुना जी में कूद जाते हैं। सब मना करते हैं, कन्हैया कन्हैया रुक जा, कन्हैया रुक जा। काली देव में गए। श्री दामा मैया के पास को जाता है और श्याम सुंदर काली देव में कूद करके सभी ग्वाल बाल वहीं खड़े रहे। अंदर पहुंचते हैं, गेंद को उठाया और वहां नागिन काली नाग की पत्नी, उन्होंने कहा, हे लाला तू यहां कैसे आयो, जा भाग्य ऐसे। कहा, मैं अपनी गेंद को लेने के लिए आया हूं। नाग पत्नियों ने कहा, तू चलाया यहां से, अगर हमारा स्वामी जाग जाएगा तो तुझे मार डालेगा। कन्हैया ने कहा, मैं इसकी परवाह नहीं करता, जगा दे अपने नाग को। उन्होंने लात मारी, पूछ पर नाग जाग गया और अपना जैसे ही नाग जागा और श्याम सुंदर की ओर को पुरस्कार करके दौड़ा। श्याम सुंदर अपने आप को बचाते हुए, श्याम सुंदर मुरली की चोट देते थे, दोनों में लड़ाई होने लगी। श्याम सुंदर को कार्य नाग ने जकड़ लिया, पूछ में लपेट लिया। श्याम सुंदर छूट जाते हैं और दोबारा फिर पकड़ता है, वो फिर मारते हैं। श्याम सुंदर की और कालिया नाग के युद्ध होने लगा। श्याम सुंदर उछल करके उनके फणों पर जाकर के पहुंच जाते हैं, जिस फण को उठाता है उसी में लात मारते हैं और बंसी की चोट मारते हैं, परेशान कर लिया। मुख से रक्त बहने लगा और जैसे फण को उठाते थे उसी फण पर अपना पैर जमाते थे। उनकी पत्नियों ने कहा, हे गोविंद इन्हें क्षमा कर दो, ये अज्ञान है, ये जानते नहीं, इन्होंने आपको पहचाना नहीं, हमारे स्वामी को छोड़ दो, इन्हें मारना मत। कालिया ने कहा, मेरा क्या दोष है इसमें, सब मुझे इतना तामसी तो बनाया तो आपने, मेरे अंदर अज्ञान है प्रभु, क्षमा करें, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। श्याम सुंदर को ऊपर लेकर के आए कालिया नाग और कहा, हे कालिया अब तू यहां नहीं रहेगा, तू इस काली देव को छोड़ करके रमण द्वीप को चला जा। कालिया ने कहा, प्रभु वहां मुझे गरुड़ नहीं छोड़ेगा। श्याम सुंदर ने कहा, अब तुझे वो नहीं खाएगा। श्याम सुंदर को लेकर के आए जैसे ऊपर, सब ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया चिंता मत करना, चिंता मत करना। और श्याम सुंदर ने कहा, अब तो ये मेरा शिष्य बन गया है। और वहां ऊपर आकर के वो नृत्य करने लगे। भूतांड भूपति मुंडन पर नाचत गिरधारी, हो नाचत गिरधारी प्रभु, नाचत गिरधारी, भूतांड भूपति मुंडन पर नाचत।
यशोदा मैया नंद बाबा सभी ब्रजवासी आकर के चिल्लाते हैं कन्हैया कन्हैया। बंसी की आवाज सुनी दौड़ करके आए, श्याम सुंदर को देखा, यशोदा मैया को होश में लाया गया, तब उनको जी में चैन आया। श्याम सुंदर आए, बलदाऊ ने पहले श्याम सुंदर को अपने गले लगाया, तब औरों से मिलने दिया। परिचित महाराज कहने लगे, महाराज श्याम सुंदर को बलदेव ने पहले क्यों गले से लगाया? बलदेव जानते थे कि ये कालिया नाग से लड़कर के आया है, स्पर्श करके आया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको विष चढ़ गया हो, तो नाग के विष को नाग ही उतारता है, खींच लेता है। तो श्याम सुंदर को मिल करके बलदेव ने उनका विष खींच लिया। बागे बाद में औरों से मिले और खुशी के मारे यमुना जी के तट पर ही रात में रुक गए। वहां चारों ओर से जंगल में आग लगा दी प्रलम्बासुर ने, तो चारों ओर से गाय और सब ग्वाल बाल अग्नि में घिर गए। श्याम सुंदर ने अग्नि का पान किया, प्रलम्बासुर का वध किया। सवेरे वहां से आते हैं, अग्नि से रक्षा करी और सभी घर आकर के उनकी खुशी मनाते हैं। ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया ये बता, तेरे अग्नि को पी लिया और तेरे पेट में अग्नि तुझे जलाती नहीं है? मैया कहने लगी, हाय मेरे लाला ने अग्नि को पान कर लियो। मैया ने आकर के कहूं माखन दियो कहूं दही दियो कि ताते अग्नि शांत हो जाए। सब गोपियां ग्वालों की रक्षा करी श्याम सुंदर ने। वर्षा ऋतु का समय आता है, गोपियां भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करती हैं कि हमारे श्याम सुंदर कैसे हैं। वो गाय उनके गुण गाती हैं, बरहा पीड़म नटवर बपो कर्णयो कर्णकारम विभ्रद्वासं कनक कपिशं भेजन्ते च माला रंध्रान वैरोर धर्षुदया पूरयन गोप ब्रंदये ब्रंदारण्य स्वपद रमणम प्राविशदं गीत कीर्ति। सब गोपियां भगवान श्याम सुंदर के गुण गान करती हैं, मेरा श्याम सुंदर कैसा है? ये गोपी कहने लगी, मुझे जब श्याम सुंदर सिर पर मोर मुकुट रखता है तब कैसा लगता है? दूसरी कहती है, हे सखी जब वो बांसुरी बजाते हैं तब कैसा लगता है? तीसरी कहने लगी, उनके कानों में कुंडल कनर जैसे पुष्प वो नट की भांति सजवज करके ऐसा सुंदर लगता है। एक कहने लगी, अरे वो अपने अधरामृत पर बंसी को रख करके जब सुर फूंकता है तब कैसा लगता है? एक गोपी कहने लगी, अरे ये श्याम सुंदर ने मेरे श्याम सुंदर को इस बंसी ने ऐसा मोह लिया है, ये बंसी हमारी सौत है, इस बंसी ने हमारे प्रभु को गोविंद को अपने बस में कर लिया है, वो सदा उन्हीं के साथ रहती है, उन्हीं के मुंह से लगी रहती है। एक कहने लगी, अरे गोपी
इस बंसी ने कौन सा पुण्य किया हुआ, इसमें क्या विशेषता है। हमारे गोविंद सदैव उसी को मुंह लगा देते हैं, अरे हम भी तो उनसे प्रेम करते हैं। एक ने कहा बंसी में पता है, बंसी में सात जो छिद्र है उसके अंदर जो छिद्र है। एक गोपी कहने लगी हमारे अंदर भी तो छिद्र है, उतने हमारे अंदर छिद्र। एक गोपी ने कहा बंसी बिल्कुल पोली है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है, पूरी बंसी के अंदर कोई विकार नहीं है, पोली है। एक गोपी कहने लगी अरे हम भी तो पोले हैं, हमारे अंदर भी कोई विकार नहीं है। एक गोपी ने कहा गोपी सबकी तुलना में यहां पर बराबर बैठ जाएंगे, पर हमन में और बंसी में इतना अंतर है। बंसी हमारे गोविंद जिस राग को निकालना चाहते हैं उसी राग को निकाल देती है बंसी। बंसी हमारे प्रभु के अनुसार चलती है और हम अपने अनुसार चलते हैं, बस हम अपने मन के अनुसार चलते हैं और बंसी प्रभु के मन के अनुसार चलती है। प्रभु जैसा राग निकालना चाहेंगे वैसे ही राग निकालेगी और प्रभु के अनुसार अपन नहीं चलते। अगर हम एक दूसरे के अनुसार चलें, एक दूसरे के अनुकूल हो जाए ना, तो संसार में इतना प्रेम बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। परंतु अपन चाहते हैं कि वो हमारे अनुसार चलें, वो चाहते हैं कि वो हमारे अनुसार चलें। अरे सब अपन अपने मन की बात चाहेंगे कि वो हमारे मन का काम करें, पत्नी चाहे कि वो हमारे मन का काम करें, पति चाहे कि वो हमारे मन का काम करें। अरे किसी को तो एक के मन का काम करना पड़ेगा, जब दोनों ही चाहे ना तो दोनों में एहचातानी बनी रहेगी, फिर प्रेम कहां से होगा। दोनों ही एक दूसरे की जरूरत को पूरा करें, दूसरे एक दूसरे से प्रेम करें, दूसरे एक दूसरे की इच्छा की पूर्ति करें। पति की इच्छा कहा है पत्नी पूर्ति करे, पत्नी की इच्छा कहा है पति पूर्ति करे, दोनों में प्रेम बढ़ जाए। हे गोपियों बंसी हमारे गोविंद जैसे बजाना चाहते हैं वैसे बजती है और हमारे गोविंद हमको जैसे रखना चाहते हैं वैसे हम नहीं रहते हैं। हम चाहते हैं कि ये कृष्ण हमारे पीछे फिरे, हमारी सेवा करे, परंतु बंसी ऐसा नहीं चाहती। बंसी प्रभु की सेवा करती है, उनके मुख से लगी रहती है, वो जैसा राग निकालना चाहे वैसे ही बजती है। बस हमारे में उसमें यही अंतर है कि वो परमात्मा के अनुसार चलती है और हम परमात्मा के अनुसार नहीं चलते, इसलिए परमात्मा हमसे दूर हो जाते हैं और रुष्ट हो जाते हैं। हम सदा अपने मन के अनुसार चलते हैं, ऐसा वो वर्णन करते हुए गोपियां एक बार मैया यशोदा के पास पहुंची। मैया तू हमें ये बता ये तूने कौन सा पुण्य करो है सो तुम्हें ऐसो श्याम सुंदर प्राप्त हुए हो। अगर उस पुण्य को हम भी करें, ये कन्हैया अगर हमें प्राप्त हो जाए हमें मिल जाए। मैया कहने लगी मैंने तो अपनी मैया कात्यानी माता का व्रत किया सो मेरा व्रत पूरा हो गया। मैया ने मेरी सुन ली। अच्छा गोपियों ने कहा तो ठीक है हम भी कात्यायनी माता का व्रत करेंगे। सब यमुना जी में स्नान करने के लिए जाते हैं। यमुना जी के किनारे मैया का मंदिर था, मैया से जाकर के प्रार्थना करते हैं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुदन देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे मैया यू नंद का छोरा है ना वो हमें पति के रूप में मिल जाए, वो हमें पति के रूप में मिल जाए,
अब श्याम सुंदर ने विचार किया जी हमें पति बनाना चाहती हैं तो कम से कम इनकी परीक्षा तो लेवे कि जी हमारी आज्ञा का पालन करेंगी या नहीं करेंगी। श्याम सुंदर ने आकर के उनके वस्त्रों को चुरा लिया और कदम पर चढ़ करके जैसे सब स्नान करके देखा तो वस्त्र नहीं है। कन्हैया ने बंसी बजाई, गोपियां कहने लगी तो घनी श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनी श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, thank you।
तुम्हें लज्जा नहीं आती? लाओ हमारे वस्त्रों को दो। कन्हैया ने कहा ले जाओ अपने वस्त्रों को, आओ और ले जाओ। गोपियों ने कहा कन्हैया हम निर्वस्त्र है, हम बाहर नहीं जा सकते। कन्हैया ने कहा तुम बाहर नहीं आ सकती तो मैं देने के लिए नहीं आता। गोपियों ने कहा हम तुम्हारी शिकायत करेंगे, मैया यशोदा से करेंगे और राजा कंस से तुम्हारी शिकायत करेंगे। कन्हैया ने कहा तो चली जाओ कर आओ शिकायत। एक गोपी बोली पागल हो गई हो, कैसे जाएंगे हम शिकायत करने के लिए, अब तो श्याम सुंदर से प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ तो वो लेकर चले गए तो हम किस तरीके से जाएंगे। श्याम सुंदर से कहा गोविंद हमारे वस्त्र दे दो। श्याम सुंदर ने कहा गोपियों तुमने जल में निर्वस्त्र स्नान करके तुमने जल देवता वरुण का अनादर किया है। गोविंद ने कहा तुम बाहर आओ। गोपियों ने कहा हम कैसे आने, अब हमें लज्जा आती है, अब तुम है। जब गोविंद ने कहा तुम अंदर गई तब कैसे, तब कहा तब कोई नहीं था। भगवान कृष्ण ने कहा कि तब सूर्य चंद्रमा ग्रह तारे, ईश्वर तो सर्वत्र है सब देखते हैं और जल में बड़ो देवता रहता है। उन्होंने कहा प्रभु क्षमा करें हमसे भूल हुई। कन्हैया ने कहा तुम अगर हमारी बात को मानोगे तभी हम वस्त्रों को देंगे। गोपियों ने कहा कन्हैया हम तुम्हारी दासी हैं, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम तुम्हें चाहते हैं। कन्हैया ने कहा तुम्हारी दासी हैं, हमें चाहते हैं तो हमारी आज्ञा का पालन करो। गोपियों ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा बाहर आओ। बाहर आ गई, कहा सूर्य को प्रणाम करो, सूर्य को प्रणाम किया। वरुण को प्रणाम करो, वरुण को प्रणाम किया और उनको वस्त्र दिए। परमात्मा किसी के वस्त्र नहीं चुराते। अगर श्याम सुंदर वस्त्र चुराते ही थे तो फिर द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाते ही क्यों।
उपासना का जो वस्त्र है, भगवान अपने भक्तों के अंदर से वासना का जो वस्त्र है, वासना का आवरण है, उसे हटा देते हैं ताकि भगवान और भक्त एक हो सके। वह बीच सी शोभत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। अगर ब्रह्म और जीव के बीच में माया का पर्दा है, तब तक एक आएक ही नहीं होता, मिलन नहीं होता। वो पर्दा हट जाए तब परमात्मा का जीव का मिलन होता है। तो भगवान श्याम सुंदर समझते थे कि आगे मुझे रास रचाना है, और जब पर्दा पड़ा रहेगा तो भक्त और भगवान का मिलन नहीं होगा। उन्होंने आकर के वासना का वस्त्र चुरा लिया, उनके अंदर जो भेदभाव था वो हटा दिया, दोनों एक हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक दिन श्याम सुंदर जंगल में गैया चराते चराते बहुत दूर निकल गए। जंगल में श्याम सुंदर को भूख लगी। ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया अब भूख लग रही है और हम बहुत दूर निकल आए। श्याम सुंदर ने कहा, चले आओ, पास में ही ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वहां से भोजन लेकर के आए आओ। बाल गोपाल कहे, तब तक यज्ञ पूरा नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। बाल गोपाल आए, कहा क्या, और कहा माताओं हमारे श्याम सुंदर आए हैं, वो गायन में जंगल में भूखे हैं, उनके लिए भोजन दे दो। तब तो सभी ब्राह्मणियों ने अपन अपने हाथों से भोजन बना करके थाल सजा सजा करके और श्याम सुंदर को कहा, हम स्वयं जाएंगे और स्वयं अपने हाथों से श्याम सुंदर को खिलाएंगे। ब्राह्मणों ने मना किया, अपनी पत्नियों से कहां जा रही हो। उन्होंने एक नहीं सुने, अपने पति की भी नहीं सुने, सब पति को छोड़ करके श्याम सुंदर की ओर जाते हैं। उन्होंने पति की परवाह नहीं करी, उन्होंने कहा हमारे श्याम सुंदर आ गए हैं, हमारे परमात्मा आ गए हैं, वो जगत पिता हैं, जगत पति हैं, उनके पास जाएंगे। और ब्राह्मणों की नहीं सुनी और उनकी पत्नियां सब चली गई। भगवान के पास पहुंचती है, श्याम सुंदर ने वहां देखा, ब्राह्मणियों को उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग यन्नो देचया प्राप्ता उपपन्न विदम हेव। श्याम सुंदर ने स्वागत किया, आओ तुम्हारा स्वागत है, बैठो मेरे पास। श्याम सुंदर को देख करके बहुत प्रसन्न हुए, अपने हाथों से श्याम सुंदर को भोजन कराया। श्याम सुंदर ने कहा, हे माताओ हमारा घर बहुत दूर है, अगर हमारा घर लगता हो नजदीक होता तो हम भी कुछ तुम्हें देते। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत प्रशंसा करी। उनका गुणगान किया और कहा, हे माताओ अब तुम जाओ। ध्वज पत्नियों ने कहा, गोविंद हम जिस जब आए थे ना तो हमारे पतियों ने हमें रोका था, परंतु हम नहीं रुकी। तो उन्होंने कहा, अगर तुम जा ही रही है तो वापस लौट करके मत आना, तो हम कैसे जाएं? हम संसार में हम जानते हैं कि संसार में सब कुछ सबके तुम्हें हो, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो तुम्हें वो बंधु च सका, तुम्हें वो तुम्हें वो विद्या धनम, तुम्हें वो तुम्हें वो सर्व मम देव। तुम जगत पति हो, नकली पतियों को छोड़ करके और हम असली पति के पास आए। कन्हैया ने कहा, आप जाएं, तुम्हारे पति तुमसे रुष्ट नहीं होंगे, तुम्हारा आदर करेंगे, जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, भगवान का भोग लगा करके, भगवान का दर्शन करके। और वो जाती हैं। ब्राह्मणों ने वहां उन्हें आते देखा तो ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों को प्रणाम किया और कहा, हे देवियों, हम ब्राह्मण होते हुए, हम ज्ञानी होते हुए और पढ़े लिखे होते हुए हम भगवान को नहीं जान पाए, श्रद्धा को नहीं जान पाए, विश्वास को नहीं जान पाए। तुम्हारे अंदर भगवान से मिलने की इतनी इच्छा, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं, जिस नेत्रों से तुमने प्रभु के दर्शन किए
उन नेत्रों को धन्यवाद करते हैं, उनका स्वागत किया। हम पढ़े लिखे विद्वान होकर के भी भगवान को नहीं जान पाए, और तुम भगवान को जान गए बिना पढ़े लिखे। उनकी स्वागत किया और सत्कार किया। श्याम सुंदर गैया चरा करके घर आते हैं। जैसे ही सवेरे हुआ तो घर घर में साफ सफाई होकर के और पकवान बन रहे हैं। श्याम सुंदर जैसे ही जागे, कत दामे पिता को यम संभ्रमो पागता। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन जैसे सवेरे उठे श्याम सुंदर ने देखा मैया पकवान बना रही है। मैया के पास गए, मैया अरे ओ मैया ये क्या हो रहे हो सवेरे सवेरे, आज तो पूरे ब्रज में बड़ी सुगंध आ रही है। मैया कहने लगी, लाला दूर दूर हो जा दूर। क्यों मैया? मैं अब देवता के पूजने के लिए पकवान बना रही हूँ ना, तू नवद हो नहीं है, जा दूर खेल। कौन से देवता की पूजा? अरे वो इतना टाइम नहीं, जा अपने पिताजी से पूछ। तब जा करके पिताजी से पूछने लगे, बाबा कतता में पिता कोयम संभ्रमो पागत किम फलम कस्य चे देश केन वा साध्यते मकः। बाबा ये क्या हो रहा आज ब्रज में? सबरे लोग घर घर में कड़ाई खटक रही है, बड़े धूमधाम से बड़ी मस्ती में घूम रहे हैं। नंद बाबा ने कहा, लाला आज कहा है सभी घरों में पकवान बन रहे हैं और इंद्रदेव की पूजा है, अपन इंद्रदेव की पूजा करते हैं। तब कन्हैया कहने लगे, किम फलम कस्य चेद् से केन वा साध्यते मकः। हम इंद्रदेव की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं। कन्हैया कहने लगे, क्यों करते हैं, क्या मतलब है, क्या फल देता है इंद्र देवता? सूर्य की पूजा करते हैं। नंद बाबा कहने लगे, लाला अगर हम बाकी पूजा नहीं करेंगे ना तो वो जल नहीं बरसावे वो। हाँ बाकी पूजा करेंगे तभी वो जल बरसावे वो, अनाज होगो और अपने गायों के लिए घास होगा, इसलिए हम पूजा करते हैं। कन्हैया ने कहा, अगर पूजा नहीं करी तो जल नहीं बरसाओ। कही हाँ रुष्ट हो जाएगा, जल नहीं बरसाएगा, सूखा पड़ जाएगा। कन्हैया कहने लगे, बाबा मेरे या छोटी सी उम्र में बड़े बड़े संतों का सत्संग करो है, हाँ ऐसी बात ना है। तो कन्हैया कहने लगे, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे। बाबा संसार में तो कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सतस पल जाका। ईश्वर सबके कर्मों का फल देता है, देवताओं को भी कर्मों का फल मिलता है। अगर हमने उसकी पूजा करी, बाने जल बरसायो, तो ये तो एक व्यापार और रिश्वत रही। रिश्वत देवो मानो जाए तो देवताओं को रिश्वत देओ और तब वो अपना काम करेंगे। कर्मों का तो फिर कोई अस्तित्व नहीं।
नंद बाबा कहने लगे लाला जी बात सही है, जब जैसो जो कर्म करे वो अपने भाग्य में जो है वो मिले, वो भावे इंद्र का करे वो, हाँ जब इंद्र ही सब का जो करे वा हो तो फिर भगवान को अस्तित्व कहाँ है। मेरे मन में तो ये है कि भगवान की पूजा करना चाहिए, व्यक्ति जो जैसो कर्म करेगा ताको फल मिलेगा। नंद बाबा बोले लाला तेरी समझ में कहा है, कहा करना चाहिए। कन्हैया ने कहा बाबा जो अपने यहाँ गोवर्धन पर्वत है ना वो सालग्राम का स्वरूप है, हाँ स्वयं सालग्राम भगवान है, उनकी पूजा करो। पर्वत अपने घास देते, पर्वत में झरना है, पानी देते, औषधि देते, लकड़ी देते, सब कुछ देता है, हाँ सब अपने अपने भाग्य का जो होता है वो मिलता है। एक महात्मा थे, उन्होंने कहा नंद बाबा मैं भी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करवे को आऊ। लाला सही कह रहे हो, हाँ तो सबने मीटिंग बुला करके सबका मत बना और सब अपन अपने गाड़ियों में सामान को लेकर के गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए सब आते हैं। सब ने कहा कन्हैया हमने तो कभी गोवर्धन की पूजा करी ना, तू ही बता कैसे पूजा होगी। श्याम सुंदर ने कहा तुम चिंता मत करो मैं बताऊंगा। चलो सब सामान लेकर के आए, कहा पहले तो हमारे गोवर्धन पर्वत को सब स्नान कराओ। स्नान कराए, हाँ यमुना जी में से पानी भर के लाए, पर्वत पर पानी डाले तो काहे रहो। तब कहा कन्हैया हम तो हार गए भैया, अब तो अब जिना न भैया रे, ये तो बहुत लंबो चोरो है, हाँ। श्याम सुंदर ने कहा हमारे गोविंद हमारे पर्वत से गोवर्धन से प्रार्थना करो कि हे गोवर्धन देवता हमारे लिए जल का प्रबंध कर दो। सबने नेत्र बंद करके ध्यान किया, हे गोवर्धन बाबा हमारे लिए जल का व्यवस्था कर दो। तब भगवान ने मन से गंगा जी का चिंतन किया, गंगा जी आई प्रणाम प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब भगवान ने कहा आप यहाँ प्रकट हो। तब मन से बुलाने पर वहां गंगा जी को मानसी गंगा कहा गया। बोल मानसी गंगा मैया की। फिर जल से खूब पर्वत को नहाया और जैसे उन्होंने कहा पूजा करी, पर्वत को देख करके कहा बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोलियो गोवर्धन महाराज की जय जय जय, बोलियो ठाकुर जी महाराज की, श्री गोवर्धन महाराज। अच्छा गोवर्धन को जाप कौन कौन है आप लोग गए हो गोवर्धन को, आज चलोगे या नहीं चलोगे, पैसा नहीं लगेगा आप लोगों का, महाराज जी की तरफ से बस फ्री, नो पैसा, विदाउट टिकट कोई पैसा नहीं। उम्मीद तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर नाय माने मेरे मन Thank you.
अरे मैं कैसे रह जाऊं की Thank you.
Oh,